नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अंशुल गोयल आज आपके अपने YouTube चैनल जयन अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जहां हमने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और इस जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, यहाँ हम इस सीरीज में आपके साथ रेलवे के रिलेवेंट, चाहे आपके जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के टेक्निकल ग्रुप के आप स्टूडेंट हो, हम सब उन सभी एग्जामों के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए आपकी हमने सीरीज स्टार्ट की है, जहां मैंने आपको रेलवे लोको पायलट या रेलवे में मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, जिसमें परसेंटेज के लगभग 14 से 15 वीडियो कवर की है। और अभी जो करंटली जो आपकी सेशन चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने यदि पिछली क्लास अटेंड की तो आपने देखा होगा कि मैंने हर एक वीडियो के अंदर एक से दो कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की है। लगभग हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद रखता हूं कि आपने हर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा होगा और एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। यदि आप फर्स्ट वीडियो में आए हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस वीडियो को तो आप अटेंड करें ही करें, साथ में प्रीवियस वीडियो को भी, आपको जितने भी मैंने इसकी वीडियोज बनाई है उनको भी प्रॉपर देखें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे सीधे जो आपके साथ में नंबर शेयर किए हैं आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से प्रॉब्लम क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कमलेश दायमा सुबह, हाँ भाई ठीक है, चलो करें अपन स्टार्ट। ओके सब तैयार हो, चलो देखिएगा, यह आपका आज के सेशन का सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन है आपको बेटा बोला, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सिंपल एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाते हुए बेचा, इसका मतलब यह है आप पहले एसपी और सीपी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्लियर, एसपी और सीपी के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बच्चा आप इस बात को समझो कि विक्रय मूल्य पर 20%, क्या लाइन लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य पर 20%। यदि विक्रय मूल्य 100 है तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 रुपया रहा होगा। इसका मतलब ये 20 रुपया प्रॉफिट कब हुआ, जब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए, क्योंकि साफ साफ बोला है विक्रय मूल्य का निकालेंगे तो 100 का 20% 20 ही होगा, 20 का फायदा मतलब आपको 80 रुपया कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपने बोला कि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है आपका 20 रुपये। उसके पश्चात वह लागत मूल्य पर 10% कम हो गया। यदि लागत मूल्य आपका 10% कम हो गया तो यहां आपने बोला कि 10% की कमी, 10% की आपने यदि बेटा कमी की है तो तुम बताओ 80 × 10 800/100 मतलब 8 रुपए की कमी। यदि 8 रुपए का कोई प्रोडक्ट कम में बेचा, 8 रुपए कम में खरीदा, तो अगली बार इस प्रोडक्ट को आप 72 रुपए में खरीद रहे हो, अगली बार इस प्रोडक्ट को 72 रुपए में खरीद रहे हो। फिर बोला तब उसने विक्रय मूल्य में 10% की फिर कमी कर दी, विक्रय मूल्य में 10% की कमी करी। इसका मतलब अगेन आप 10% की यहां कमी कर रहे हैं। तो बेटा आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि 100 का माल 10 रुपए कम है, मतलब 90 रुपए में जा रहा है, 90 रुपए में जा रहा है। क्या आपको यहां तक का प्रोडक्ट का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, तो 72 में आज खरीद रहे हो और बेच कितने में रहे हो, 90 रुपए में। अब क्वेश्चन ने बोला तो दी गई लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब आप देखो 72 रुपए का माल यदि 90 रुपए में जा रहा है तो डेफिनेटली फायदा तो हो ही रहा है। अब फायदा हो रहा है तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 18 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 18 रुपए का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप बोलोगे 18 रुपए का फायदा 72 रुपए से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया 18 × 4 = 72 और 4 को 100 से काटा 25 बार, फाइनली आपने बेटा बोल दिया कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25%। तो 25% प्रॉफिट जितने भी बच्चों के आ रहा है वो एकदम राइट है मिस्टर कुमार, 25% एकदम राइट आंसर है। क्लियर, तो जिन जिन लोगों को 25 आ रहा है एकदम सही है, फटाफट चारों पांचों लोग जो भी लाइव आ चुके हैं एक बार फटाफट आंसर दीजिएगा। आंसर 25 जिनके भी आ रहा है सही, बी ऑप्शन, बिल्कुल भैया बी ऑप्शन में 25 ही है, एकदम राइट आंसर है, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का, चलो नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद में और आगे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से, 500 रुपए
प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिलें खरीदी, मतलब एक साइकिल 500 रुपए की है और 10 साइकिलें खरीदी, इसका मतलब क्या हुआ भैया, 500 × 10 5000 रुपए। फिर उसने बोला सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए और खर्च किए। तो सुनो, आपने एक बात क्लियर मेंशन की कि पांच जो आपकी 10 जो साइकिल है, हर साइकिल आपकी कितने रुपए मारी है, 500 रुपए में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं आप, टोटल यदि कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो आपने बोला कि 500 के हिसाब से 10 रुपए खर्च किए और सॉरी 10 साइकिल पर खर्च किए तो 5000 रुपए, और आपने बोला कि रिपेयरिंग के कितने हजार रुपए खर्च किए, 2000 रुपए। 2000 रुपए उसने रिपेयर पर खर्च किए, तो जो पैसा रिपेयर पर खर्च किया वो आपका 2000 रुपए था। अब 2000 रुपए इसने रिपेयर पर खर्च किया तो तुम बताओ 5 और 2 टोटल एक्सपेंसेस आपका कितना आ गया, 7000 रुपए। ये एक्सपेंसेस आ गया आपका टोटल। अब टोटल एक्सपेंसेस आ गया तो आपने बोला कि टोटल कॉस्ट प्राइस 7000 रुपए, 7000 रुपए खर्च किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 10 साइकिलों में से 5 साइकिल को उसने 750 रुपए प्रति दर से तथा शेष साइकिल को 550 रुपए प्रति दर से बेच दिया। तो भैया आपके पास टोटल 10 साइकिल थी, अब क्या हुआ 10 में से 5 जो साइकिल है उनको तो उसने बेच दिया आपका 750 रुपए के हिसाब से, और अगली जो 5 साइकिल है उनको बेच दिया 550 रुपए के हिसाब से। ये उसकी टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, ये उसकी कौन सी प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस। अब बच्चा पता क्या करेगा, 750 को 5 से गुणा करेगा और 550 को 5 से, एक काम करो दो बार मल्टीप्लाई करने की बजाय 5 कॉमन ले लो। बेटा दो बार मल्टीप्लाई करने की बजाय 5 कॉमन लोगे, रमेश मीना गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग, तो आप इसमें से 5 कॉमन लेते ही 750 प्लस 550 किया तो भैया आपका डेटा निकल के आ गया 1300, 7 × 5 = 12 और 100 = 1300। 1300 को 5 से गुणा किया 13×5 = 65, 6500। अब 6500 रुपए में सेल किया जबकि 7000 में आपने उस प्रोडक्ट को बनवाया, तो अब आप देखो कि 7000 का माल जब 6500 में आप बेच रहे हो, 7000 का माल जब 6500 में बेच रहे हो तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो वो भी बहुत भारी लॉस हुआ, और भारी लॉस कितना हुआ, 500 रुपए का भैया, 500 रुपए का हो गया घाटा। अब आपसे यदि यू पूछा जाए कि घाटा कितने का हुआ तो 500 का हुआ, पर आपसे ये डेटा पूछा गया है परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपसे पूछा गया परसेंटेज की फॉर्म में, तो परसेंटेज लॉस बराबर 500 रुपए का लॉस 7000 रुपए पर हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया तो बेटा आपका आंसर निकल के आ गया 50/7%, और 50/7 का मतलब है 7 × 7 = 49, तो 7 सही 1/7% का लॉस। तो 7 सही 1/7% का जो लॉस है वो आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है वो एकदम राइट है, कमलेश दयामा डी एकदम ओके है, मिस्टर कुमार लॉस हुआ, बिल्कुल भैया मैंने लॉस ही लिखा, टेंशन मत लो, क्लियर। चलो सभी लोग एकदम आंसर निकाल पा रहे हैं, एकदम बढ़िया, एकदम ओके समझ में आ रहा है, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो हाँ भैया सब समझ में आ रहा है। किसी प्रकार का किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, क्लास आपकी एकदम शानदार तरीके से चलाई जा रही है। देखो आप बेटा प्रॉपर तरीके से रोज पढ़ाई करोगे ना तो आपके यूट्यूब पर मैं रेगुलर क्लास लूंगा, बट कभी तुम क्लास में आ रहे हो कभी तुम छुट्टी मार रहे हो तो ये तरीका आपका गलत है, उससे क्या तुम्हारे साथ साथ टीचर का मोटिवेशन और गिरता है। तो आप थोड़ा तरीके से तैयारी करो, फटाफट आप आंसर भी देने की कोशिश किया करो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बेसिक है, बहुत ईजी है, तुमको अच्छी तरह से पता है, मेहनत अच्छी करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। चलो राइट, चलो चले अपन करते हैं अब आगे स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, चलो ओके, क्वेश्चन बोला कि 12 रुपए प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे और उसने 50 कलमों को 10% के लाभ पर बेच दिया और पूरे सौदे पर 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे कलमों को किस कीमत पर बेचना होगा। तो भैया आप इस क्वेश्चन को कैसे करो, देखो आपके पास 50 कलम है, टोटल कितनी कर दी आपने 150, 50 कलमों को आपने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर,
तो 50 की जो रेट थी वो तो 12 रुपए की थी, और 10% का प्रॉफिट पर बेचा तो आपका 10/100 तो ये हुआ। तो पहली यदि बात देखो तो 12 × 60 60 रुपए का प्रॉफिट, आपने कितने रुपए का प्रॉफिट ले लिया, 60 रुपए का प्रॉफिट लिया। ये डेटा आपका प्रॉफिट को डिनाइड कर रहा है, 50 कलमों को 10% लाभ पर देखा तो आपने कैलकुलेट किया तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बोला शेष बेच लिया और पूरे सौदे में उसको 15% लाभ हुआ, पूरे सौदे में 15% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या, 150 कलमों को, भैया 150 कलमों को जब 12 की रेट से खरीदा और 15% के प्रॉफिट पर बेचा, ये जो आपका लाभ है ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका टोटल प्रॉफिट है, क्लियर। तो अब टोटल प्रॉफिट फिर देखो, 10 से 10, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 2 × 6 = 12, ठीक है, 15 × 6 = 90 और 90 × 3 270 रुपए का प्रॉफिट। अगली बार उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 270 का। अब पता हो टोटल प्रॉफिट तो 270 का, और उसमें उसने पहले प्रॉफिट कितना ले लिया, 60 रुपए का। अब मैं आपसे बोल दूं कि बीच का जो डेटा बिका वो इतना बिका कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 210 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, 210 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। क्या ये बात से आप एग्री करते हो, बिल्कुल राइट। अब 210 का प्रॉफिट कब हुआ, जब आपने 150 में 50 तो बेच चुके, तो कितनी और बाकी है, 100 कलम और बाकी है। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि 50 कलम 150 में से बेच चुके हो, तो इन दोनों डेटाओं को देखकर आपने बोला कि शेष जो पेन है, शेष जो पेन है वो 100 है, जिनको आपने 12 की रेट से बेचा, जिनको आपने 12 की रेट से खरीदा, पर उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, आपसे ये बोला गया ना कि तो बेचे गए कलमों को किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो, तो भैया बात ऐसी है, बराबर इनका जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 210 के बराबर। तो भैया आप 210 के बराबर निकाल लोगे, तो देखो 100 से 100 आप 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 35, 2 × 70 आपने बोला कि शेष जो प्रॉफिट है, शेष जो प्रॉफिट है वो आपका 35/2% है, और 35/2% का मतलब है 17/1/2%। आपको बात क्लियर, तो 17/1/2 आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है वो एकदम राइट है। तो डी आंसर कितने लोगों का रहा है, डी आंसर फटाफट निकालो, डी आंसर जितने बच्चों का आ रहा है वो एकदम राइट आंसर है, डी आंसर, क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी, एक घड़ी और एक दीवार घड़ी कुल कितने में खरीदी, 390 रुपए में। मतलब आप बोल सकते हो परचेज ए बैच वॉच एंड बॉल क्लॉक 390। तो एक तो उसने खरीदी वॉच और एक उसने खरीदी बॉल क्लॉक, और इनका जो प्राइस है वो दे दिया 390 रुपए। पहले अनक्लियर। आगे क्या बोला कि वह घड़ी को 10% लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है। घड़ी को तो बेच रहा है 10% लाभ पर और दीवार घड़ी को बेच रहा है 15% लाभ पर, और इस तरह 51 रुपए 50 पैसे का लाभ होता है, और इस तरह उसको कितने का लाभ होता है, 51 रुपए 50 पैसे का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य और घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर क्या है, तो आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं बेटा। अब देखो आपको जो 51 रुपए 50 पैसे के लिए बोला है, ये दोनों को मिलाकर आपका प्रॉफिट है, और इंडिविजुअल जो प्रॉफिट बोला है वो आपको 10% और 15%, और ये है आपका टोटल। देखो तो आप इसको कई सारे तरीके से कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को मिक्सर एलिगेशन से करना पसंद करूंगा। मिक्सर एलिगेशन से कैसे, आप ये अजम्पशन कर लीजिए कि जो एक घड़ी और एक दीवार घड़ी जो 390 में खरीदी, माना कि पूरी की पूरी 390 रुपए में आपने घड़ी खरीद ली हो, यदि आपने बोझ 390 रुपए में खरीदी होगी तो 390 का जो 10% है वो आपका कितना रुपया हुआ, 39 रुपए। क्या आपको ये बात क्लियर, 39 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
तो क्या आपको वास्तव में 39 रुपए का प्रॉफिट है क्या? आपको तो 51 रुपए 50 पैसे का, मतलब डेटा ये तो सही नहीं है। अब हो सकता है कि बोल क्लोब जो है वो 390 की खरीदी होगी, तो 390 का यहाँ कितना परसेंट लोगे आप? 15। तो देखो बेटा 15% आप ले रहे हो तो 10% तो ऑलरेडी 39 है, और 5% इसका भी आधा होगा, तो 39 और उसका आधा, 39 और आधा, 39 का आधा क्या 18, 19.5। तो जैसे 19.5 जोड़ोगे तो आपका आ गया 58.5, 9, 9, 18, 3, 2, 4, 1, 5, 58.5। यदि बॉच आती बोल बॉच तो 58.5 का प्रॉफिट हो रहा है, घड़ी पर ये प्रॉफिट 39 हो रहा है। पर जब फोकस हमने देखा कि दोनों को जब किया गया तो भैया दोनों वाले केस में ये प्रॉफिट 51 रुपए 50 पैसे का हुआ, तो हमने दोनों का प्रॉफिट लिख दिया 51 रुपया 50 पैसा। ये आपका मिक्सर का प्राइस है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? अब आप देखिएगा बड़ी में से छोटे को घटा देंगे तो बेटा 50 पैसे तो 50 पैसे गए, 58 में से 51 गए तो आपका 7 आया, 58 में से 51 गए तो कितना आया? 7 आया। और आप जब यहां फोकस कर रहे हो तो देखो यदि 40 आप घटाते तो 11 रुपए 50 पैसे आते, पर ये 11 नहीं, ये तो एक कम है, तो आप बोलोगे 12 रुपए 50 पैसे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, डेटा कट रहा है क्या? 7, 7, 3, 3, 2, 5 डेटा आपका नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 1 0 1 0, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 7 2 14। तो आप बोलोगे 14:25, क्या बोलोगे? 14:25। अब 14:25 जो आपने लगाया, 14 रुपए उस बोझ का कोश प्राइस था और 25 रुपए उस बोल बोझ का कोश प्राइस था, क्लियर? आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि बताओ घड़ी का वास्तविक मूल्य और बोल का वास्तविक मूल्य में अंतर क्या है? बेटा हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर निकल के आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर आ रहा है वो 25 और 14 का अंतर कितना आ रहा है? 11। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर निकल के आ रहा है वो कितने रुपए का निकल के आ रहा है? 11 रुपए का। अब 11 रुपए का निकल के आ रहा है तो क्वेश्चन ने बोला बताओ प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। अब तुम बताओ हम जब 14 रुपए की घड़ी खरीद रहे हैं तो बॉल जो क्लॉक है वो हमने 25 की खरीदी, तो हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल अमाउंट कितना हुआ? हमारे अकॉर्डिंग यदि हम टोटल पर फोकस करें, टोटल पर यदि फोकस करें तो 25 प्लस 14 यूनिट की वैल्यू हमने देखा 39 रुपए। और इस क्वेश्चन ने बोला कि 39 की जो वैल्यू है 390 के बराबर है, तो भैया एक यूनिट कितने की हुई? 10 की। आपसे पूछा कि डिफरेंस क्या है और डिफरेंस हमारा कितना आया है? 11। तो भैया 11 यूनिट की आप जब वैल्यू निकालोगे तो 11 को आप 10 से गुणा करो, 11 यूनिट की वैल्यू आपकी 110 रुपए निकल के आ जाएगी। तो 110 आपका एक फाइनल आंसर होगा। तो 110 जिन भी बच्चों को आ रहा है वो एकदम राइट आंसर है, 110 मिस्टर कुमार, 110 बिल्कुल राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस क्वेश्चन को आपको समझना था। कमलेश दायमा सी, बिल्कुल भैया सी आंसर एकदम ओके है, बिल्कुल राइट है। फटाफट से लोग सभी लोग इसको नोट करो, फिर हम इसके आगे और डिस्कस करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन बोला कि लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत 700 रुपए निर्धारित करता है। लागत मूल्य का मतलब होता है कोस्ट प्राइस, लागत मूल्य का मतलब होता है बेटा कोस्ट प्राइस। और उसने बोला कि 100 रुपए का यदि कोई कोस्ट प्राइस है तो मैं उस पर 40% प्रॉफिट जोड़ने की सोच रहा हूँ, 40% प्रॉफिट की जोड़ने की सोच रहा हूं, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो 140 का हुआ और ये मैंने उस पर निर्धारित कर दिया एमआरपी। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला कि 40% लाभ जोड़ते हुए एक वस्तु की कीमत 700 रुपए निर्धारित की जाती है, मेरे अकॉर्डिंग वो वस्तु की कीमत 140 हुई। चूंकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम हो रही है तो अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। अब 40% बढ़ाया तो भैया प्रोडक्ट कम बिका, तो उसने अब डिसीजन लिया कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं, मैं तो 10% प्रॉफिट पे काम चला लेता हूं। अगली बार उसने डिसीजन लिया
10% प्रॉफिट का। तो अगली बार जब 10% प्रॉफिट का लिया तो माल कितने में गया, 110 रुपए में। तो क्वेश्चन ने बोला तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो इस क्वेश्चन में साफ साफ हिंट दिया कि निर्धारित मूल्य 700 रुपए है और हमारे अकॉर्डिंग निर्धारित मूल्य कितना है, 140। तो 140 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 700 है। तो 140 यूनिट की जो वैल्यू है वो 700 रुपए के बराबर है। तो आपने बोला कि मैंने इस डेटा को 50 रुपए से गुणा किया, मैंने इस डेटा को किससे गुणा किया, 50 से, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50 है। तो बेटा आपसे पूछा गया कि यहां बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भैया इसकी वैल्यू तो बोलो कितनी आ जाएगी, सॉरी 50 क्या 5 आ जाएगी ना, तो सॉरी एक यूनिट की वैल्यू मैंने गलती से 50 लिख दिया, 5 आ जाएगी, 14 × 5 = 70। तो भैया आप जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी ये निकल के आई तो यहां अब आप देख लो 510 रुपए यूनिट की वैल्यू 550 रुपए आ जाएगी। 550 हमारे जो भी ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर। तो 550 कौन से ऑप्शन में है, बी, बी आपका एकदम राइट। ठीक है, तो कितने लोगों का बी आंसर है, कमलेश दायमा, मिस्टर कुमार, बिल्कुल दोनों के बी आंसर जो है एकदम राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो लिख लीजिए, फिर हम इसके और आगे डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है वो देखो। इस क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में दो साइकिलें खरीदी, 1600 रुपए में दो साइकिलें खरीदी, इस बात पर फोकस करना कि 1600 रुपए में दो साइकिल खरीदी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोनों साइकिलों का जो मिलकर जो कोष प्राइस है वो 1600 रुपए है। क्या पहली लैंग्वेज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब क्या बोला, एक साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। मतलब एक को तो 10% पर, दूसरी को 20% पर, और वह अपनी पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता। यदि वो काम उल्टा करता तो बोला गया उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताओ दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। क्वेश्चन ने कम से कम 5-7 डिवीजन डाले हैं इसके अंदर, तो आप समझो दोनों साइकिलों 1600 रुपए की, वो बात की बात है, पर हमें ये समझ में आ गया कि दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर हमारे 1600 रुपए खर्च होने वाले, राइट। अब आप बात को समझिएगा, पहली साइकिल को मैंने 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरी साइकिल को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा। एक कंडीशन तो मेरी ये है, अगली बार क्या बोल रहा हूं कि मैं पहली साइकिल को तो 20% पर बेच रहा हूं, पहली साइकिल को तो मैं 20% पर बेच रहा हूं और दूसरी जो साइकिल है उसको 10% पर बेच रहा हूं, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा, और ऐसा करता हूं तो मुझे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसमें से इस नंबर को यदि मैं माइनस करता हूं तो मुझे 5 रुपए अधिक मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। अब आपसे ऐसा कहने के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। तो बेटा एक बात बताओ, मैं जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरा परसेंटेज कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जब घटाऊंगा तो फर्स्ट में से इसको घटाऊंगा तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो घटाने पर आप बोलोगे फर्स्ट नंबर इंटू 10%, जब घटेगा तो ये 10 में से 20 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेकंड इंटू 10%। ये जो डेटा है वो 5 रुपए के बराबर है, क्लियर। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा वो कितना आ रहा है, 10%। बेटा मैंने जो 10% कॉमन लिया अंदर फर्स्ट माइनस सेकंड लिख दिया, ये जो डेटा है वो 5 रुपए के बराबर है। तो अब आप देखो जब परसेंटेज को आप हटाओगे तो बटे 100 लिखोगे, 0 से 0, और 10 को जब 5 से गुणा करोगे तो 50। तो ये जो आपने फर्स्ट माइनस सेकंड लिखा ये आपके दोनों क्रय मूल्य का डिफरेंस ही तो है, दोनों के कोस्ट प्राइस का क्या है, डिफरेंस। क्योंकि मेरा अजम्पशन पहले वस्तु का कोस्ट प्राइस फर्स्ट लिख दिया और सेकंड वस्तु का कोस्ट प्राइस मैंने सेकंड लिख दिया, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप तरीके से करते तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करते, और आप जब क्वेश्चन को इस पैटर्न से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है। तो किन किन लोगों का आंसर 50 बोले तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जल्दी से आंसर लगाओ,
ए ऑप्शन जितने भी बच्चों का आ रहा है वो एकदम राइट आंसर। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला बेटा कि एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। 600 रुपए में कितना 240 सेब। ओके खरीद लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। उनमें से कुछ सेब आपके खराब हो गए कोई बात नहीं और उन्हें वो फेंक दिया। चलो ये भी बात सही है। अरे खराब को खाएगा थोड़ी फेंकेगा ही सीधी सीधी बात है। फिर उसने बोला कि उनमें बचे हुए सेबों को 3.50 रुपए प्रति की दर से बेचकर 198 रुपए का लाभ कमाया तो बताओ कितने प्रतिशत सेब फेंके गए। अब एक बात बताओ 600 रुपए में तो आपने सेब खरीदे और 198 रुपए का आपने प्रॉफिट लिया। ये इसका सीपी, ये इसका प्रॉफिट और इन दोनों को जोड़कर आपका बना सेलिंग। तो आपका जो सेलिंग प्राइस हुआ वो रहा 798 रुपए क्योंकि 198 है। अब 198 में आपने बेचा तो अब ये तो पता करो कितना सेब बेचा। तो आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ जो एप्पल है उनकी रेट जो है 3.50 रुपए प्रति सेब है और जिनसे टोटल कलेक्शन मैंने 798 लिया। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़े तो बटे 100 जीरो से जीरो 5 2 10 5 7 35 और 7 1 7 7 1 7 7 4 28 और इसको मल्टीप्लाई किया 228। तो आपने बोला कि टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल है वो 228 है जिनको आपने सेल किया। पर आपने खरीदे कितने एप्पल थे? आपने खरीदे थे 240। इसका मतलब आपके खराब कितने एप्पल हुए? यदि खराब आप एप्पल का पता करोगे तो बच्चा 240 में से आप 228 को माइनस कर दोगे, बोलोगे 12 एप्पल खराब हुए। आपसे पूछा कि खराब जो भी एप्पल हुए उनका परसेंटेज क्या है तो 12 एप्पल खराब हुए 240 एप्पलों में से और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 12 × 2 = 24 और 20 को 100 से काटा तो 5। तो फाइनली आपने बोला कि जो मुझे बेस्टेज जो डेटा था वो मेरा 5% था और 5% हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जितने भी बच्चों का रहा है वो एकदम राइट है। तो फटाफट बी ऑप्शन पर आप टिक लगा दीजिए। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको बोला कि पवन कोल एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है लेकिन दूसरे निवेश पर 10% हानि भी होती है और यदि दोनों निवेशों का अनुपात 3 और 5 है तो बताओ टोटल कुल परसेंटेज हानि क्या है। तो बेटा आप देखो यहां 300 रुपए इन्वेस्ट किए तो अगली बार उसने 500 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। अब 500 रुपए 300 रुपए इसकी कॉस्ट है। ये दोनों डेटा आपकी कॉस्ट है CPT1 ये CP2। पहले पर 15% प्रॉफिट। अब पहले पर 15% प्रॉफिट लिया तो अब आप जानते हो कि 300 का 15% 45 रुपए आता है। तो एक बार तो आपने 45 रुपए प्रॉफिट का निकाल लिया, क्या राइट बात? दूसरी बार उसने 10% लॉस उठाया तो 10% लॉस उठाया तो भैया 50 रुपए का लॉस उठा लिया। दूसरी बार उसने 50 रुपए का लॉस उठा लिया। एक सौदे में तो 45 का प्रॉफिट, दूसरे सौदे में 50 का लॉस। फाइनली यदि रिजल्ट देखा जाए तो दोनों को मिलाकर हमें यह समझ में आ गया कि 5 रुपए का लॉस हुआ। 5 रुपए का जो लॉस हुआ जहां उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 300 + 500 आपने बोला कि टोटल इन्वेस्टमेंट 800 रुपए था। 800 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 5 रुपए का लॉस उठा है। आपसे पूछा गया लॉस का परसेंटेज क्या है तो बेटा आप बोलोगे लॉस बटे अमाउंट इनटू 100। तो लॉस का जो डेटा है वो 5/8% है। 5/8% है और 5/8% जो आपका ऑप्शन है
वो कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी आंसर जिन भी बच्चों का आ रहा है वो एकदम राइट है, 5/8 मिस्टर कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फटाफट क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन इजी है, बहुत बेसिक बेसिक बस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यापारी 8400 बैल रुपए बैल की दर से दो बैल बेचता है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक बैल की जो सेलिंग प्राइस है, प्रत्येक बैल की जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी 8400 है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर ना तो उसको लाभ होता है ना हानि होता है। तो आपसे बोला गया बताओ दूसरे बैल को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बेटा आपको बोला गया दोनों बैल 8400 में बेच गए, इसका मतलब यह हो कि दोनों बैलों की कुछ न कुछ आपकी सेलिंग प्राइस है जो कि बराबर है, और वो कुछ न कुछ जो डेटा है वो 8400 है। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहले प्रोडक्ट पर 20% प्रॉफिट, इस बात से आप एग्री करते हो? पहले प्रोडक्ट पर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट। अब दूसरे प्रोडक्ट पर आपको बोला है कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? हमें नहीं पता, एक्स परसेंट का लॉस रहा होगा, पर पूरे सौदे में उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? पूरे सौदे में उसको 0% का प्रॉफिट हुआ, पूरे सौदे में उसको 0% का प्रॉफिट हुआ। तो दूसरे बैल को कितने परसेंट हानि पर बेचा? तो आप पहले इसकी लैंग्वेज यूं समझो कि जब आपने पहला बैल का हमें नहीं पता तो उसका 120% जो डेटा है वो 8400 के बराबर है। क्लियर? अगली बार उसने किस कोस्ट पर खरीदा हमें नहीं पता, उसको हमने बोल दिया कि 100-X बराबर अगेंस्ट 8400। और फिर हमें यह पता लगा कि अगली बार जब CP प्लस CP2 को जो हमने ऐड किया, ये पूरा जो डेटा है वो आपका 8400 प्लस 8400 बराबर 16800 के बराबर है, और यही आपका कॉस्ट प्राइस है 16800, और यही आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, जिसको देखकर हमने बोला नो लॉस नो प्रॉफिट। अभी तक बेटा मैंने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, केवल आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप यू समझो, बहुत शॉर्ट में आप यू समझिए कि आपको ये जो 20% मैंने बोला, इस 20% को यदि बोला जाए तो इस 20% का मतलब है 1/5, 20% का मतलब है 1/5। तो आप यू बोलोगे 5 रुपए का माल 6 रुपए में जा रहा है, पहला केस 5 रुपए का माल कितने में जा रहा है? 6 रुपए में। अगली बार भी 6 रुपए में ही जाना है, अगली बार भी 6 रुपए में जाना है, क्योंकि ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर। अब 6 और 6 मिलाकर यदि मैं बात करूं तो टोटल मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 12 रुपए। अब यहां पर यदि मैं टोटल सेलिंग प्राइस करूंगा कॉस्ट प्राइस, तो वो भी कितने रुपए होगी? 12 रुपए। अब मुझे 12 रुपए लेके आनी है सेकंड केस में, तो तुम बताओ 5 का प्रोडक्ट 6 में गया, 5 में ऐसा मैं क्या जोड़ू कि जिससे कि 12 आ जाए? तो आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है क्या, आप इसकी वैल्यू कितनी रख दो? 7। इसकी वैल्यू कितनी रख दो? 7। सिंपल। अब ये समझो 7 रुपए का माल 6 रुपए में जा रहा है, 7 रुपए का माल 6 रुपए में जा रहा है, सरासर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, सरासर आपको 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आपसे यही तो पूछा है लॉस परसेंटेज क्या है, तो बोलोगे 1 रुपए का लॉस 7/100। तो 1/7/100 आपके कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन तो गलत है, 9 देखकर ये गलत है, फीलिंग यही आती है कि 14/7/98/200। तो आप बोलोगे सी आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। हरी जाट ए आंसर नहीं आएगा भैया, सी आंसर आएगा, ठीक है? तो क्लियर। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन समझाया यहां तक, तो ये तो क्वेश्चन को समझाने की बात थी, पर जब आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सॉल्यूशन से मात्र तो इतना सा सॉल्यूशन है। यदि देखा जाए तो आपका सॉल्यूशन तो केवल ये है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन पर आप ध्यान दें,
ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को पढ़ना सिखाया, क्लियर। आज आपको ये सेशन बिल्कुल मैंने एकदम शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है और क्वेश्चन बड़ा इजी था। अब बढ़ते हैं आज के हम अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पर। बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यापारी ने के पास 1000 केजी चीनी है, टोटल जो चीनी है वो 1000 है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर। पहले केस में बोला इसका कुछ भाग आपने 8% लाभ पर लिया और फिर बोला कि दूसरा भाग जो है वो आपने 18% लाभ पर लिया, दूसरा भाग 18% लाभ पर लिया और कुल सौदे पर 14% का लाभ हुआ। मतलब ये 14% है वो दोनों को मिलाकर है। तो आपने क्या बोला कि 14% हमने बीच में लिख लिया, तो आपसे बोला गया कितनी मात्रा 8% लाभ पर बेची गई। तो बेटा ये डेटा आपसे पूछ रहे, तो आप बड़े में से छोटा घटा दो 8, 6, 14 या 18 में से 14 घटा दो या आपका 4%। आप जब इनका अनुपात देखेंगे तो बेटा इनका अनुपात निकल के आ रहा है 2:3, इनका अनुपात निकल के आ रहा है 2:3। अब आपसे ये भी तो बोला कि टोटल मिलाकर 1000 केजी, तो भैया इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी 1000 केजी है, इन दोनों की टोटल वैल्यू जो है वो आपकी 1000 केजी है और आपके अकॉर्डिंग इन दोनों की टोटल है 5 केजी, आपके अकॉर्डिंग इन दोनों की टोटल है 5 केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 यूनिट की वैल्यू 2000 है, 5 यूनिट की वैल्यू सॉरी 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 ही। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 ही तो आप बोलोगे कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 400 केजी है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 400 केजी है और 400 केजी आपके कौन से ऑप्शन में बेटा, सी। तो सी आपका राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों का सी आ रहा है मिस्टर कुमार, सी आंसर एकदम राइट है। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसके बाद में हम आज का सेशन हम ड्रॉप करते हैं। आज के जो भी सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर किए। कल इसके बाद में कल संडे को आप इसका ऑफ रखेंगे, मंडे में एक क्लास और अपन रखेंगे, मंडे में जब सेशन रखेंगे तो लगभग हम 150 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर हमने 150 क्वेश्चन किए, अपने आप में एक अच्छा नंबर है। आप इन 150 को भी तरीके से करते हो तो उम्मीद रखता हूं कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में कहीं अटकोगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम मंडे को सेम टाइम पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। अब मिलते हैं मंडे को।